मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान में आगरा छावनी के विधायक डॉक्टर धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उच्च सदन के माननीय सदस्य मेरे छोटे भाई विजय चौधरी जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई विदेश जी, भूया जी, अलौकिक उपाध्याय जी, उपस्थित सभी व्यापारी, उपस्थित बंधुओं, अभी डॉक्टर धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि पिक्चरों में देखा था, ऐसी प्रदर्शनियों को पहली बार देख रहे हैं। और पिक्चरों में लाइट चली जाती थी तब गड़बड़ हो जाती। धर्मेंद्र जी चिंता मत कीजिए, योगी जी का राज्य लाइट दी जाएगी। तो अगर आपके देशों में ऐसा हो, हीरो बनने की बात है, और जब धर्मेंद्र जी कह रहे थे तो मैंने जब कहा कि योगी जी का राज्य लाइट दी जाएगी, तो ये योगी जी का ही राज्य है यहाँ पर, कि आगरा यानी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में इतनी शानदार और जानदार प्रदर्शनी हो रही है जो बेशकीमती आभूषणों से युक्त है। वरना इस प्रदेश ने वो दिन भी देखा है जब गले में जंजीर पहन कर भी नहीं लोग जाते थे, नकली जंजीर पहना करते थे। और आज यहाँ पर प्रदर्शनी हो रही है खुलेआम, ये मेरे नेता योगी जी का ही कमाल है, उन्हीं की देन है। फैबुक सवाल किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर और व्यापारियों को फैबुक वातावरण दिया। मित्रों, इस तरह की प्रदर्शनी से न सिर्फ एक दूसरे के कुशलता और कारीगरी को पता चलता है का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि व्यापार भी बढ़ता है। एक दूसरे की कार्य कुशलता, कार्यशैली समझ में आती है, उसको व्यापारी एडॉप्ट करता है अपने व्यापार में, और वो व्यापार कुछ चार चांद लगते हैं हर जगह। खरीदारी और बिक्री होती है, समृद्धि के द्वार खुलते हैं ऐसी प्रदर्शनियों से। आज आगरा में एक प्रदर्शनी हो रही है, आगरा वासियों के लिए भी समृद्धि के द्वार इस तरह खुले हैं। एक तो इतनी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन, और उस शहर में जहाँ पर एक चांदी के पायल और अन्य आभूषण बनाने में विशेषज्ञता और दक्षता हासिल है, तो मंडी है पूरे एशिया की। ऐसे आयोजन उस पर तमाश की ख्याति दिलवाएंगे, यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके हुनर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी, और जो योगी जी की $1 ट्रिलियन का व्यापार करने की एक सपना है उसमें इस उद्योग की भी आहुति पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक महायज्ञ जब योगी जी ने शुरू किया है, मोदी जी ने $5 ट्रिलियन का, और योगी जी ने उसमें से $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की सहभागिता बताई है, तो ऐसे आयोजन उस सहभागिता में अपना एक योगदान देंगे। इसके होने से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिला है, निश्चित रूप से दूर दूर से व्यापारी आए हैं, वो तो किसी न किसी होटल में ठहरे होंगे, तो टूरिस्ट ट्रेड को भी लाभ मिला। ऐसे आयोजन न सिर्फ अपने ट्रेड को लाभ देते हैं, बल्कि बाई प्रोडक्ट के रूप में अन्य जो उस क्षेत्र के उद्योग होते हैं, व्यापार होते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। इनके आगमन से, इनके यहाँ पर स्टॉल लगाने से आगरा के अन्य उद्योग प्रभावित होंगे, व्यापार जो पर्यटन लोग करते हैं वो प्रभावित होंगे, और यह एक नया मार्गदर्शन करेगा आगरा वासियों के लिए और आगरा के उद्योग के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।